140 गुलकारों ने गाया कौमी तराना एक साथ। कौमी तराने के लिए रुहेल हयात के साथ 140 गुलकार हम आवाज हुए। पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के मारूफ मौसीकार रुहेल हयात ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने 140 गुलकारों के हमरा कौमी तराना गाया। उनका कहना है कि कौमी तराने को शानदार अंदाज में पेश करने के लिए मुल्क भर से गुलकारों को हम आवाज होते देख कर बहुत खुशी हुई। रुहेल हयात ने अपने एक ट्वीट में अपने जज्बा हुब्बुल वतनी का इजहार किया। उनका कहना था कि मेरे लिए ये सबसे मुतासिर कुन लम्हा था, जब पाकिस्तान भर से 140 गुलकारों का एक पुरजोश ग्रुप कौमी तराना गाने के लिए जमा हुआ। उनका मजीद कहना था, इस ताकतवर लम्हे को न सिर्फ देखा बल्कि इस इत्तेहाद को महसूस भी किया, जिसका शायद कोई बस ख्वाब ही देख सकता है। रुहेल हयात ने कौमी जज्बे की तारीफ करते हुए लिखा कि ये कौम हर चीज पर काबू पा सकती है और मुझे यकीन है कि ऐसा ही करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख्याल रहे कि रुहेल हयात माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपने जज्बा हुब्बुल वतनी के लिए मशहूर हैं। और शायकीन मौसीकार की जानिब से रिकॉर्ड किए गए तराने को सुनने के लिए बेचैन हैं। रुहेल हयात ने गुलकारों के इंतखाब के हवाले से बताया कि तमाम गुलकारों ने मिलकर कौमी तराना पेश करने के लिए बाकायदा रस्मी दरख्वास्त दी थी, जिसके बाद गुलकारों में से 140 गुलकारों के एक पूरे ग्रुप को मुंतखब किया गया, जो कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ कम्युनिटीज की नुमाइंदगी करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।